CNN News brought to you by Deepak Jeweler, Lakkad Bazar, Solan, 9816078655. इस बात पे भी बात करना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के और नगर परिषदों के चुनाव शुरू हुए। ये जो किसानों का के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, किसान विरोधी एक्ट है, इसका खमियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव में भुगतना पड़ेगा। नंबर वन। नंबर दो, जिस किस्म की धांधलियां वोटर लिस्टों में, जिस किस्म की धांधलियां इन्होंने रोस्टर में की है, उसके बावजूद भी लोग आज इनको सबक सिखाने के लिए जो है वो तैयार बैठे। मैं परवानों का एक जीता जागता उदाहरण देना चाहता हूं। एक एक घर में 40-40, 50-50 वोटें बन गई, दो घर में 60-65 वोटें बन गई। जो अगर कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता जाता है वोट बनाने के लिए, उसको बोलते जी आप हमें अपना क्या नाम आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड दिखाते तो बोलता है इसमें को आज तक आपने अपडेट क्यों नहीं किया जहां पे आप रह रहे हैं। जबकि दूसरे वालों के भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं, जो उन्होंने लिस्ट दी है, जो उन्होंने बनाए हैं, उनके लिए ये जो है वो नियम लागू नहीं होते हैं। एक अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का जो है पिट्ठू बन के काम कर रहा है, ये मत समझे अधिकारी के जो सत्ता जो है वो परिवर्तन जो सत्ता परिवर्तन होता रहता है। पार्टियां सरकार की एक सरकार जो है एक पार्टी को दूसरी पार्टी की बदलती रहती है, पर इन्हें जो है निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, मेरा अनुरोध यह है। वरना हम भी सबके ऊपर नजर लगाए बैठे हैं, आने वाले समय उनके लिए जो है वो बड़ा नुकसानदेह होगा।